गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, हमने इस प्रीवियस वाले वीडियो में देखा कि अकॉर्डिंग टू द फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर इट विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आज हम सॉलिड के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो देखो, यहाँ पे एक फिगर मैंने ड्रॉ किया हुआ है सॉलिड। सॉलिड में हम बोलते हैं कि सॉलिड के प्रॉपर्टी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच बहुत हाई होता है। वजह क्या होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के एकदम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और इनके बीच बिल्कुल भी गैपिंग नहीं है। ठीक है, तो इनके पार्टिकल्स के बीच जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और इंटर मॉलिकुलर स्पेस जो होता है वो आपका नेगलेजिबल होता है। देखो, यहाँ पे स्पेस है नहीं, एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा इसी से जस्ट अटैच है। तो इंटर मॉलिकुलर जो स्पेस होता है वो नेगलेजिबल होता है, नेगलेजिबल होता है, यानी हम ये बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो सॉलिड के केस में हाई होता है और इंटर मॉलिकुलर स्पेस जो होता है वो नेगलेजिव होता है। इसी वजह से सॉलिड का शेप जो होता है वो डेफिनेट होता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। इसी वजह से इंटर मॉलिकुलर फोर्स जो होता है, इंटर मॉलिकुलर स्पेस जो होता है पार्टिकल, इंटर मॉलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज नेगलेजिबल। दैट्स वाई वी कैन नॉट कंप्रेस द सॉलिड मटेरियल। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा डस्टर, तो डस्टर को हम कंप्रेस करके छोटा, अगर उसका साइज हमारा 1 मीटर दे रखा हुआ, उसे हम कंप्रेस करके कभी भी हाफ मीटर में नहीं बदल सकते। वजह क्या होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के या पार्टिकल्स के बीच जो होता है एक भी स्पेस नहीं होता है, स्पेस नेगलेजिबल होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल और ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकते। तो अगर हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो अगर हम दोनों तरफ से प्रेस करें डस्टर को, तो हो सकता है वो ब्रेक हो जाए, लेकिन उसका साइज़ कभी भी कम नहीं होता। ठीक है, तो पूछा जाता है कि वाई, जैसे सपोज करो कि क्यों सेफ डेफिनेट होता है, क्यों सेफ उसका चेंज नहीं है। तो वजह यही होता है कि सॉलिड या पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड इंटर मॉलिकुलर स्पेस होता है वो नेगलेजिबल होता है, जिसकी वजह से हम किसी भी मटेरियल, किसी भी सॉलिड मटेरियल को कंप्रेस करके छोटा स्मॉल साइज में कन्वर्ट नहीं करता। अगर हम प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे दोनों तरफ से, हो सकता है वो ब्रेक हो जाए, लेकिन वो कभी भी कंप्रेस होकर के उसका साइज होगा वो स्मॉल नहीं होगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस नेगलेजिबल होने और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने की वजह से डेंसिटी क्या होती है, उसकी हाई होती है एंड रिजिडिटी जो होती है, रिजिड होगा सेफ, हमने बोला कि अभी फिक्स सेफ होगा, सेफ चेंज कभी नहीं होगा। जैसे लिक्विड को अगर हम एक बॉटल में रहते तो उसका सेफ बाउल में रखते तो बाउल का सेफ है, लेकिन सॉलिड का सेफ फिक्स होगा, रिजिड होगा। वजह यही होती है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज़ वेरी हाई एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज़ नेगलेजिबल। दैट्स वाई जो सॉलिड होगा उसकी डेंसिटी हाई होगी, रिजिड होगा, विस्कोसिटी जो होगी वो यानी फ्लो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा अलमेरा अगर हम एक जगह पर रखें तो वो फ्लो होकर के कल हमें दूसरी जगह मिलेगा, नहीं। फ्लूडिटी भी जो होगी वो नेगलेजिबल होगी, रिजिडिटी रिजिड होगा, डेंसिटी हाई होगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी हाई। ठीक है, विस्कोसिटी मैंने अभी बोला कि जो फ्लूडिटी होगी, फ्लूडिटी जो होगी वो आपकी जो होगी वो भी नेगलेजिबल होगी। रीजन यही होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस इज नेगलेजिबल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है वो हम लिक्विड की बात कर लेते हैं। तो लिक्विड की अगर हम देखते हैं तो लिक्विड का स्ट्रक्चर देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। देखो, पार्टिकल सॉलिड के कंपैरिजन में दूर दूर है, यानी अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इन केस ऑफ लिक्विड बात करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज लेस इन कंपैरिजन टू द सॉलिड, यानी स्पेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है सॉलिड के कंपैरिजन में कम है क्योंकि पार्टिकल्स दूर हैं। वजह क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज हाई इन कंपैरिजन टू द सॉलिड। देखिए, यहाँ पार्टिकल जो है लिक्विड के केस में दूर दूर दिखता है। ठीक है, अब दूर दूर है तो लिक्विड को हम कंप्रेस करके सॉलिड में बदल सकते हैं, यानी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड की हाई होती है क्योंकि पार्टिकल दूर दूर है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, तो दोनों को कंप्रेस करेंगे, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। यही वजह होती है कि लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, टेम्परेचर को लो करके, तो ये आप कह सकते हैं, देखा होगा कि लिक्विफाइड, हम कहते हैं गैस को लिक्विफाइड कर देते हैं, लिक्विफाइड क्यों कहते हैं, ऐसे हो जाए पार्टिकल जो दूर दूर थे वो क्लोज आ गए। ठीक है, तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होता है इन कंपैरिजन टू द सॉलिड बिकॉज इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इन केस ऑफ लिक्विड इज इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज हाई इन कंपैरिजन टू द सॉलिड। ठीक है, यही इसकी वजह से जब इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होगा वो हाई होगा सॉलिड के कंपैरिजन में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा लिक्विड में इन कंपैरिजन टू द सॉलिड, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, लिक्विड की
लो हो जाएगी इन कंपैरिजन टू द सॉलिड, रिजिड नहीं होगा। देखा होगा कभी भी किसी भी लिक्विड को किसी भी कंटेनर में रखें तो उसका शेप ले लेता है। वजह यही होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो हाई होता है इन कंपैरिजन टू द सॉलिड, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो लो होता है इन कंपैरिजन टू द सॉलिड। दैट्स वाई वो कभी भी सॉलिड लिक्विड जो होगा वो रिजिड नहीं होगा, जहाँ पे भी आप रखोगे वहीं पे वो सेफ ले लेगा। ठीक है, डेंसिटी भी इसकी लो होगी इन कंपैरिजन टू द सॉलिड, फ्लूडिटी होगी। देखा होगा अगर पानी को अगर एक जगह हम वाटर को गिरा देते तो वो दूसरी जगह फ्लो करके चला जाता है। तो वजह यही होती है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है बिटवीन द पार्टिकल इज हाई होता है इन कंपेरिजन टू द सॉलिड, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो लो होता है।